আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। বাংলাদেশি পোশাক শিল্প নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় মিডিয়া এবং সেই সাথে আমাদের ইতিহাস নিয়েও কথা বলছে তারা। তবে আমি ভিডিওটি যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন অনেক অবাক হয়েছি, কারণ ভারতীয় মিডিয়া দাবি করছে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের মাধ্যমেই নাকি বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমাদের আজকের ভিডিওর মাধ্যমে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসেও তারা এসব কথা কীভাবে বলে তা আমার জানা নেই। কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে আসি বাংলাদেশের ইতিহাস, পোশাক শিল্প এবং অর্থনীতি নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া। আর সেই সাথে প্রিয় জনভূমির ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে দেখতে सब्सक्राइब करें बीडीटीयू इंफोटेनमेंट चैनल टीके। आइए जानते हैं भारत समेत साउथ एशिया के सभी देशों को पछाड़ते हुए बांग्लादेश कैसे बना उभरती हुई जीडीपी के मामले में नया टाइगर। दोस्तों, बांग्लादेश का इतिहास मुगलिया दौर के समय से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। पराधीन भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियाँ तेज हो चुकी थी। यूनाइटेड बंगाल से आज़ादी की लहरें उठने लगी थी। बरतानवी हुकूमत में डर का माहौल बन चुका था। सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन प्रस्ताव पारित किया गया। इसके चलते बंगालियों में बहुत ही रोष उत्पन्न हुआ। इससे आहत होकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला की रचना कर दी, जिसे आगे चलकर बांग्लादेश का कौमी तराना बनाया गया। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ, साथ ही पाकिस्तान का जन्म भी हुआ। पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, परंतु 1947 के समय अपने से 5 गुना बड़े पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। मुक्ति वाहिनी के लंबे संघर्ष के बाद सन 1971 भारत पाक युद्ध के फलस्वरूप पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश के नाम से नए देश के रूप में मान्यता मिली। 1971 के बाद से ही बांग्लादेश की आज़ादी के शुरुआती दौर में ही वहाँ बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का अकाल पड़ गया। गुर्बत के नीचे दबे बांग्लादेश को उभारने के लिए सरकारों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर नए नियमों को लागू किया, साथ ही विभिन्न तरह के कानूनों को भी बनाया गया। बांग्लादेश दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देशों में शामिल है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार बांग्लादेश की आबादी भारत और चीन से भी ज़्यादा है। एक समय में पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश ने साल 2006 में सबको चौंकाते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। भारत की आज़ादी के समय पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, परंतु वर्तमान समय में पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, साथ ही बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ के आसपास है। बांग्लादेशी आम चुनाव में पिछले 3 बार से जीतती आ रही बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना का देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र में बांग्लादेश अपने झंडे गाड़ रहा है, साथ ही एक समय में भुखमरी से जूझ रहा बांग्लादेश वर्तमान समय में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। चाइना यूएसए के बाद बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग में 3रा स्थान है। कुल उत्पादन का 84% निर्यात करता है, साथ ही टोपी निर्माण के उत्पादन में इसका एक छत्र राज है। भारत में अधिकांश टोपियां मेड इन बांग्लादेश की ही होती हैं, साथ ही जूट इंडस्ट्री में ये भारत को वर्तमान समय में कड़ी टक्कर दे रहा है। हाल के समय में इसने जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है, साथ ही साउथ एशिया में पहले पायदान पर खड़ा है। कोरोना काल में जहां भारत जैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, परंतु बांग्लादेश में इसी दौर में गजब की तरक्की की। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात 15 से 17% की दर से बढ़ रहा है, साथ ही 25 लाख बांग्लादेशी जो विदेशों में रोजगार करते हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মতামত, আর আপনাদের প্রতিটি কমেন্টের রিপ্লাই দেব আমরা। ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।